Protesting outside the Bihar Assembly State, BJP's Vice President Sanjay Mayukh today said the House Speaker has been unfair in ripping off the status of Leader of Opposition from the Safran Party and according it to the JDU. Speaking exclusively to NNIS, he added, Nitish Kumar is resorting to all wrong measures to grab power and Assembly Speaker Uday Narayan Chaudhary has been supporting him. प्रदर्शन हो रहा है, यह माननीय विधानसभा अध्यक्ष असंवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, वो लगातार नेता प्रतिपक्ष को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल होता है वह संख्या बल के आधार पर होता है और संख्या बल आज भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है, तो उस संख्या बल सड़क पर कोई भी विपक्ष नहीं तय कर सकता। जो भी होगा बम्बई फैसले के बाद सदन के अंदर ही फैसला होता है कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा और कौन सत्ता पक्ष का अधिकारी होगा। जेडीयू हमारे निर्णयों को बताने की हिमाकत नहीं करे। जेडीयू हमारी पार्टी की न पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मेरी पार्टी की अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अपने नेता हैं और वो तय करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे विधायक दल में सर्वसम्मत निर्णय आया है कि माझी जी को समर्थन दिया जाए, लेकिन इसकी ना कोई विधिवत घोषणा हुई है, इस आधार पर मुझे हटाया जाए, यह तो जनता दलयू के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष। पावर्ड बाय NNIS।